तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली में जब एक साथ सभी अर्थ पे जितने भी लोग हैं अगर जंप करें अर्थ पे, कूदे एक साथ एक पॉइंट पे, तो क्या होगा। इसका आंसर है कुछ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा कुछ, अभी हम बताते हैं। इस अर्थ पे 7 बिलियन अप्रॉक्स में जो है सो आदमी है, ठीक है, मतलब ह्यूमंस है। और सभी अप्रॉक्सीमेटली जो है सो 7.80 बिलियन केजी का होगा सारा का वेट, सभी आदमी का 7 बिलियन का। 7 × 80 कर दीजिए, मतलब प्रत्येक आदमी का 80 किलो होगा वजन, मान लीजिए। तो 7 × 80 केजी जितना भी आता है उसका आंसर बिलियन केजी बेसिकली सभी का वेट होगा, ठीक है। लेकिन जबकि अर्थ का जो वेट है वो है 5.9 × 10⁻²⁴ केजी, ठीक है। तो इतना अर्थ का वजन है और इतना 7 × 80 जो है सो बिलियन आदमी का वजन है, ठीक है। तो अर्थ का जो है बेसिकली वजन आदमी के वजन से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और न्यूटन के हिसाब से इज़ैक न्यूटन के हिसाब से जब कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, उसका लॉ है न्यूटन लॉ। तो उसके हिसाब से अगर सभी एक साथ कूदे तो उसका एकदम टाइनी इफेक्ट होगा हर अर्थ पे, ठीक है। एक साथ 30 सेंटीमीटर ऊपर से अगर हम लोग कूदेंगे अर्थ पे तो बेसिकली जो है अर्थ को हम 5.3 × 10⁻¹⁴ मीटर जो है उसको घसका देंगे, ठीक है। विच इज 1/100 जो है सो विड्थ होगा एक सिंगल सिंगल हाइड्रोजन एटम का जो होता है डायमीटर, उसका 1/100 पार्ट, उसका 100 पार्ट करेंगे उतना ही एरिया जो है सो घिसकेगा अर्थ, ठीक है। और जब हम लोग ग्राउंड पे वापस आ जाएंगे उसके बाद अर्थ जो है सो अपने प्रीवियस पोजीशन पे आपस बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि उस पर भी बहुत सारा वो जो है सो बेसिकली खुद मास है उस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम अर्थ पे एक साथ कूदते हैं तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।